टिमटिम मुझे अविनाश। क्या हुआ अविनाश को? अविनाश श्वेता के साथ चले गए बाबूजी, बिना आपसे कुछ बताए, बिना कुछ कहे बस चले गए। बाबूजी बारात आई हो, मैं सारे मेहमान, हम सबको क्या जवाब देंगे? उन्होंने मेघा के बारे में, मेघा को पता चलेगा वो क्या करेगी। बाबूजी हम सबको क्या जवाब देंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? ना बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे रिमझिम जी, आप यहाँ पर हो? मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी, और आप यहाँ बाबूजी के साथ क्या बातें कर रहे हैं? यही ना कि वो आपकी बेटी की शादी हो गई तो वो ससुराल में कैसे रहेगी? आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को अब अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। अब वो मेरी बेटी है। चलिए जी, बिल्कुल। हाँ चलिए। ओम पवित्रस्ते वैष्णव्यो सवितुर प्रसवः उता पुनाम्य चित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जतकामः। कन्यादान के मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या के माता पिता को बुलाइए। अरे देखिए बेटा, अविनाश कहाँ है, उसे बुलाकर ला। अब रुको बेटा, अविनाश को मैंने जरा किसी जरूरी काम से भेजा। पंडित जी, क्या मैं कन्यादान कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। पवित्रस्ते वैष्णव्यो प्रसव उता पुनाम्य छिद्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः। लेकिन अकेले नहीं, किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। देखना चाहती हूं तुम्हारे पति को। कमुपसेदि महाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि वदाहु महे भयं भगामि समदिति। द्वादशेतानि नामानि च पठेत् सुनुयादपि विद्यारम्भाय च प्रवेशे निर्गमे त्वा सङ्ग्रामे शङ्कैश्चैव विघ्नश्च शृणुयाते शुक्लां परं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवर्णं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजित असुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। अब मंगल कृपा दीजिए।
अब कन्या के मांग में सिंदूर भर दीजिए। राकेश भैया, आज मैं एक लड़ाई और जीत गई। वो लड़ाई जिसकी बुनियाद मैंने बहुत पहले डाल दी थी, लेकिन सफलता मुझे आज मिली है। कैसी लड़ाई श्वेता? कौन सी सफलता की बात कर रही हो तुम? अविनाश, क्या सोच रहे हैं भैया? राकेश भैया, ये घर अविनाश का ही तो है, और फिर मैं भला अविनाश को इस अधिकार से कैसे दूर रख सकती थी? अविनाश, इस घर को कब से तुम्हारा इंतजार है? आप दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खामोश क्यों हैं? पता है भैया, जब भरत वन में राम से मिलने गए थे तो राम ने उन्हें गले से लगा लिया था। और आप दोनों अपने ही घर में खड़े अनजानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैसी रही मेघा की शादी अविनाश? अरे भैया, आप शादी की बात कर रहे हैं? अब तो उसकी विदाई हो रही होगी।
कहीं काम से गए। हम इस वक्त इससे किस्मत और कुछ मत सोचो। अविनाश, आज मुझे अपने आप पर बहुत फख्र है। मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया। आज तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में मौजूद हो। पता है अविनाश, तुम ये घर छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन मेरे दिल से नहीं। इन तस्वीरों को देखो, मैंने कभी इन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर आओगे। और इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो जाएगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा है। एक कहावत तुमने सुनी होगी ना अविनाश, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, रिमझिम भी नहीं। पता नहीं इन्होंने अविनाश को किस काम से भेज दिया, अभी तक वापस ही नहीं आया। अरे काम तो रोज होते हैं, लेकिन शादी तो एक ही दिन होती है ना, और वो भी अपने बेटे की। बेचारा कन्यादान भी नहीं कर पाया। विकी, एक काम करो तो, जरा दादाजी को पूछ कर आओ कि उन्होंने अविनाश को किस काम से भेजा कि वो अभी तक नहीं आया। जी दादी माँ। हेलो यशोदा, मैं राकेश बोल रहा हूँ। देखो अगर तुम परिवार वालों के बीच में खड़ी हो तो थोड़ा दूर चले जाओ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। यशोदा, शांति और अविनाश कहाँ है? बाबूजी बता रहे थे कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। नहीं क्यों, क्या बात है? रिमझिम मेरे साथ चलो। क्या बोलते भाभी? चलो तो सही।
क्या बात है, अविनाश कहाँ है? रिमझिम तुम चुप क्यों हो, अविनाश कहाँ है? भाभी अविनाश श्वेता के साथ कहीं गए, बस आते होंगे। अब कभी वापस नहीं आएगा करम जी, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो श्वेता के साथ उसके घर गया है, वो श्वेता के साथ उसके घर गया है, घर गया है। नहीं भाभी, विनाश हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो वापस आएंगे, हम उन्हें वापस लाएंगे। रिमझिम, क्यों आई हुई है? अविनाश कहाँ है? हम उन्हें लेने आए हैं। अविनाश को हम यहाँ तुमसे कोई बात करने नहीं आए, हमें अविनाश से बात करनी है। बात तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घर मेरा है। होगा, लेकिन हमें अविनाश से बात करनी है। अविनाश कहाँ है श्वेता? नामुमकिन। और वैसे तुम्हें इतना नहीं मालूम है कि किसी के घर जाते हैं तो उसके मालिक से बात करनी पड़ती है। बहुत भरोसा है तुम्हें अपने आप पर। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं अविनाश को तो क्या, उसके सपने तक को तुमसे अलग नहीं कर सकती। अविनाश तो मेरा हो गया। हाँ, सपने तुम्हारे हैं, जितने चाहे देखो। बकवास करना बंद कर, अविनाश कहाँ है? अविनाश! इस घर में चिल्लाना मना है। श्वेता, तुम सीधी तरह अविनाश को बुलाती हो? चलो तुम्हारी इस गलत फहमी को भी दूर कर देते। अविनाश तुम्हारी आवाज सुनकर कभी नहीं आएंगे। मैं आवाज देती हूँ। अविनाश, अविनाश, अविनाश।